और दंतेवाड़ा के बैलाटीला में लोहे के कई बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनकी एनएमडीसी कई वर्षों से माइनिंग कर लोहा निकाल रहा है, जिसे ट्रेन के माध्यम से परिवहन किया जाता है। ये रेल की पटरी किरंदुल शहर के बीच से गुजरती हैं, जिसे पार करने के लिए 60 साल पहले लोहे का ब्रिज बनाया गया था, जो अब पूरी तरह सड़ चुका है। इतना ही नहीं, इस ब्रिज में बरसात की वजह से फिसलन हो जाती है और करंट भी दौड़ता है, जिसमें कई हादसे हो चुके हैं। इस वक्त हम लौह नगरी किरंदुल में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो किरंदुल बस्ती है, इसका आधा हिस्सा रेलवे की पटरी के उस तरफ है, जहाँ पर लोग निवास करते हैं। लेकिन जो अपनी बुनियादी ज़रूरतें हैं, स्कूल हो गया, मार्केट हो गया, सामान कुछ लेना होता है, तो उनको पुलिया के जो पटरी के इस तरफ आना पड़ता है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस तरफ आने के लिए महज एक ये पुल मात्र है, आगे इस और कोई भी पुल जो है मौजूद नहीं है। इस ओर 3 किलोमीटर आगे दूसरा पुल है, जहां पर जाने में काफ़ी समय व्यर्थ होता है, तो लोग ज़्यादातर इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो रेल पटरी है, इसके ऊपर ये लोहे का जो पुल बना हुआ है, ये आज से 60 वर्ष पहले जब एनएमडीसी के द्वारा रेलवे के जब ये लाइन बिछाई गई थी, तब जो है इसका स्क्रैप मटेरियल, जो पटरी का लोहा बच गया था, उसके इस्तेमाल से इस पुल को बना करके खड़ा कर दिया गया था। इतना जो है रोज प्रतिदिन करोड़ों का मुनाफा कमाने वाली कंपनी लोगों के लिए महज कुछ लाख खर्च करके एक ओवरब्रिज तक नहीं बनवा पा रही है, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लगातार लोगों की जो है मांग है और शिकायत भी है, और इतनी जान माल की हानि होने के बावजूद भी जो है इस तरीके का रवैया अपने आप में सवाल खड़े करता है। मैं आशु भदौरिया, नेटवर्क 10 से, दंतेवाड़ा।